अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 27, लेसन नंबर 27। आज है हमारा रोमानी मिजाज के शायर अहमद फराज, ठीक है, इनके कुछ अशआर इंशाल्लाह आप लोगों के सामने हम बयान करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि अहमद फराज ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी, ठीक है। मेरी हालत तो जान गए होंगे आवाज़ से। अहमद फराज की पैदाइश 1933 को पेशावर पाकिस्तान में हुई। कहाँ हुई? अहमद फराज की पैदाइश पेशावर पाकिस्तान में 1933 को, ठीक है। उनका घरेलू माहौल कैसा था? घर में कैसा माहौल था, लोग कैसे थे, खानदान वाले कैसे थे? तो घरेलू माहौल शायराना माहौल था। घरेलू माहौल कैसा था? शायराना माहौल, हर कोई शायरी करते थे, ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद अहमद फराज कितने साल में या कितनी उम्र में शेर व शायरी शुरू कर दी थी? तो शेर व शायरी की इब्तिदा इन्होंने कम उम्र ही में कर दी थी, है ना। शेर व शायरी की में कम उम्र में ही शेर व शायरी की तरफ माइल हो गए थे। उसके बाद इनकी अदबी कारगुजारी के एतराफ़ करते हुए इन्हें एजाजी एक डिग्री हासिल दिया गया, ठीक है, एजाजी डिग्री इसको दी गई, एजाजी डिग्री डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। डिग्री का नाम क्या है? डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, कराची यूनिवर्सिटी ने इसे दी है, अदबी व शेरी खिदमात की वजह से ये डिग्री उनको दी, ठीक है। डिग्री का नाम क्या? डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, क्लियर, हाँ। उसके बाद कुछ मजल्ले और मैगजीन का इन्होंने इदारा संभाले, संपादक, ये संपादन इन्होंने इन्हीं के अंदर में हुए, जैसे माहनामा, इन महीने में जो निकलता था माहनामा, मंथली इश्तियाक और दास्तान, महीने में दो रिसाले निकलते थे, दो, एक इश्तियाक दूसरा दास्तान, और एक हफ्ता में निकलता था वीकली, खादिम, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि किन किन रिसालों की इदारत की है इन्होंने, माहनामा या हफ्तावारी, तो माहनामा दो रिसाले थे, एक इश्तियाक दूसरा दास्तान, और जो हफ्तावारी था उनका नाम क्या था? खादिम, क्लियर। उसके बाद ये किस मनसब पर, किस ओहदे पर, किस पोस्ट पर थे, है ना, तो पेशावर यूनिवर्सिटी में ये लेक्चरर थे, है ना, पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे। फिर उसके बाद डॉक्टर ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ लिटरेचर्स हो गए, है ना, डॉक्टर डायरेक्टर जनरल ऑफ लिटरेचर, पहले पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर, फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ लिटरेचर हो गए, इतना क्लियर हो गया, लिटरेचर हो गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ लिटरेचर। उसके बाद फिर मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो गए, कहाँ के? नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान, नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान में ये क्या होगा? मैनेजिंग डायरेक्टर, इतना क्लियर हो गया। पहले तो पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर, फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ लिटरेचर्स, फिर नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद ये सवाल होता है कि ये हिंदुस्तान का सफ़र कब किया था, कहाँ किया था? दरभंगा का दौरा इन्होंने किया था, शेर व शायरी में एक मुशायरे में शिरकत की थी, शामिल हुए थे 2009 में, कहाँ? दरभंगा बिहार में, 2009 में दरभंगा बिहार में एक मुशायरे में शामिल हुए थे, ठीक है। इनके शेरी मजमूए 12 हैं, शेरी मजमूए 12 हैं, जो कि इकजा तौर पर के असासा के नाम से शाही हुए, चार जिल्दों में 12 मजमूए इकजा तौर पर शाये हुए असासा के नाम से 1987 को, है ना, 1987 को किसने छापा? यूनिवर्सिटी अलायन ने, यूनिवर्सिटी अलायन ने 1987 को 12 मजमूए, शेरी मजमूए को एकजा तौर पर असासा के नाम पर शाये किया, जो कि चार जिल्दों पर मुश्तमिल है। कि 12 मजमूए कौन कौन है इसको जहन में रखिएगा, तन्हा तन्हा, दर्द आशोब, नायाफ्त, शब खून, मेरे ख्वाब, रेजा रेजा, जाना जाना, बेआवाज गली कूचों में, नाबीना शहर में आईना, सब आवाज़ें मेरी हैं, पस अंदाज मौसम, ख्वाब गुल परेशान है, गज़ल बहाना करूं, ठीक है। तो ये 12 मजमूए, कुल शेरी मजमूए कितने हैं? 12। वो शाये किस नाम से हुए एकजा तौर पर? असासा। कितने वॉल्यूम में, कितने जिल्द में, कितने अध्याय में, एपिसोड में कितने, या फिर सीजन में? चार जिल्दों में।
ठीक है। उसके बाद अहमद फराज के शायरी किस मिजाज के होते थे, है ना, अहमद फराज के शायरी किस मिजाज के होते थे, तो अहमद फराज बुनियादी तौर पर रोमानी मिजाज के शायर थे। किस मिजाज के शायर थे या हैं, रोमानी मिजाज के, रोमांटिक मिजाज के, है ना, रोमांटिक मिजाज के या रोमानी मिजाज के शायर हैं। उसके बाद इनके शायरी का महवर क्या है, असल क्या है इनका, है ना, किस बुनियाद पर करते हैं, किसको सामने रख करके इनका टॉपिक क्या होता है, तो इनका शायरी का महवर है हुस्न व इश्क, हुस्न व इश्क, ठीक है। चंद अशआर आप लोगों का सामने धड़ाधड़ पढ़ देते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। हमको ये बात थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि ये रोमानी मिजाज के शायर थे, रोमांटिक शायर थे, पोएट थे, इसीलिए इनके बारे में थोड़ी जानकारी ज़रूरी है, ठीक है। इनका एक शेर है, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। इनका ये भी शायर है कि सुना है उनकी बातों से मोतिया झड़ते हैं, है ना, उसी के बाद ये शायर है सुना है उनकी बातों से मोतियाँ झड़ते हैं, अगर ऐसी बात चले बात करके देखते हैं। इस तरह पर मेरा भी चंद अशआर भी है, फेसबुक में आप सर्च कर सकते हैं। तो उसका एक शेर इश्क पर है कि रंजिश ही सही, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ, आ फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए आ। उसके बाद ये भी है कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ये जुदाई पर है। उसके बाद फिर जुदाई पर है, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। एक शेर भी है, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। उसके बाद ये भी है कि तू के दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता, जितना भी चाहेंगे आगे जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ से हम अपना चले शेर व शायरी का सिलसिला ख़त्म करते हैं, क्वेश्चन आंसर पर आते हैं, सरसरी उस पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। इसमें अहमद फराज का दो मक्ता है, इसमें दो अलग अलग अशार गज़ल है। पहला है कि दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आँख में बूंद ना हो दिल में समुंदर रखना। उसके बाद है अपनी आशिकता मिजाजी पे हंसी आती है, अपनी आशिकता मिजाजी पे हंसी आती है, दुश्मनी संग से और कांच का पैकर रखना। उसके बाद एक शेर है कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। तो ये इसमें शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर पर आते हैं, अहमद फराज की पैदाइश, पहले मुख्तसर तरीन सवाल हमेशा हम बार बार दोहराते हैं कि आप मुख्तसर से मुख्तसर और शॉर्ट क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर एक है, अहमद फराज की पैदाइश कब हुई, तो 1933 को, 1933 को। दो नंबर पे, अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई, अहमद फराज कहाँ पैदा हुए, पेशावर पाकिस्तान, पेशावर पाकिस्तान। उसके बाद तीन नंबर, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए, पेशावर यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी। चार नंबर, अहमद फराज किस इदारा के मैनेजिंग डायरेक्टर हुए, किस इदारा के मैनेजिंग डायरेक्टर, नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान, नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान का। पाँच नंबर पे, अपनी मौत से कुछ ही दिनों पहले वो बिहार के किस सूबे के मुशायरे में तशरीफ लाए थे, तो दरभंगा बिहार, दरभंगा बिहार में 2009 को, ठीक है। छः नंबर, अहमद फराज की शायरी के कितने मजमू शाये हुए, 12, कितने मजमू 12। उसके बाद मुख्तसर सवाल है, एक नंबर, अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर हैं, है ना, बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर हैं, तो रोमानी मिजाज के, किस मिजाज के, रोमानी मिजाज के, रोमांटिक, है ना। दो नंबर, अहमद फराज की शायरी का असल महवर क्या है, है ना, महवर धुरी, हुस्न इश्क,
हुस्नो इश्क, ठीक है। तीन नंबर, अहमद फराज की शायरी किस किस हलके में मकबूल है, किस किस हलके में, अवाम और खवास दोनों हलके में, यानी इसको आम लोग भी पसंद करते हैं और पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोग भी पसंद करते हैं, ठीक है। अहमद फराज की शायरी किस किस हलके में मकबूल हुई, अवाम और खवास दोनों हलके में, क्लियर। चार नंबर, अहमद फराज की दरत में कौन कौन से माहनामे और हफ्तावार शाई हुए, इश्तियाक और दास्तान ये माहनामे और खादिम ये हफ्तावार, है ना। पाँच नंबर, उर्दू गज़ल की रिवायत में आज़ाद गज़ल का तजुर्बा कैसा रहा, आज़ाद गज़ल का तजुर्बा कैसा रहा, तो उर्दू गज़ल की रिवायत में अहमद फराज का तजुर्बा बेहद मुमताज रहा, बेहद मुमताज रहा, आसान और आम अंदाज के बावजूद बेहद मकबूल, बेहद मकबूल है। उर्दू गज़ल की रिवायत में अहमद फराज का तजुर्बा बेहद मुमताज रहा, आसान और आम अंदाज के बावजूद बेहद मकबूल है, ठीक है। उसके बाद छः नंबर पे है, गज़ल अरबी के अरबी की किस सिंफ से माखूज है, अरबी के किस सिंफ से, यानी कसीदे से, कसीदे से, कसीदे की तशबीह से या कसीदे से। सात नंबर, जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं, गैर मुर्दफ, है ना, जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं, गैर मुर्दफ, हमने पहले पढ़ चुके हैं। आठ नंबर, दक्कन के किस शायर के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमाल तक पहुँची, दक्कन के किस शायर के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमाल तक पहुँची, तो वली दक्कनी, है ना, वली दक्कनी के ज़रिए, ठीक है। नौ नंबर, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, मतला, गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, इसको लिखिएगा इस तरह, गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, क्लियर। दस नंबर, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, मक्ता, क्लियर हो गया, मक्ता कहते हैं। उसके बाद तवील सवालात में जो तीन नंबर है, एक नंबर दो नंबर छोड़ देना, तीन नंबर सिर्फ गज़ल से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए, आपकी इसके तारीफ कर देनी है, बस काफ़ी हो जाएगा, तारीफ कर देनी है आपकी काफ़ी हो जाएगा। उसके चार नंबर, दर्ज ज़िल अल्फाज की ज़िद बताइए, यानी इसका अपोजिट या विलोम शब्द बनाना है। हक़ का बातिल, हक का बातिल आ चुका है, नशेब का फराज, है ना, नशेब का फराज, जुल्म का आदल, जुल्म का आदल, कसरत का किल्लत, कसरत का किल्लत। उसके बाद ज़िया का गिरा, ज़िया का गिरा, क्लियर है। चलो यहीं पर आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं, अस्सलामु अलैकुम।